और आपको वोट देंगे। और मैं अभी ये बताया अर्जुन जी ने और बाबूलाल जी ने, क्या आपने आने के बाद करा क्या है? जितना झूठ बोल सकते थे उसकी पराकाष्ठा की है। लेकिन हम आज भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के साथ इस झारखंड के राज्य को भी कदम से कदम मिला के चलाना चाहेंगे, जिसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद है, जिनका नाम लेना पर्याप्त है। आदिवासियों के लिए पहली बार बहनों की यहाँ ताकत बैठी हुई है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने, हेमंत सोरेन सहित उनके सारे लोगों ने हमेशा वोट लिए, अपनी सरकार बनाई, झूठ बोल के आगे बढ़ते गए, लेकिन आज तक कभी किसी आदिवासी बहन को, भाई को राष्ट्रपति नहीं बनाया। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज यशस्वी हमारी अपनी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहन के लिए जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे आदिवासियों का सम्मान है। जब कहते नहीं है, करके दिखाते हैं अपने सबके सामने। और उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में निर्णय किया कि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ के आदिवासियों की भलाई के लिए, उन्होंने तो कामना की थी सारे देश के बाकी राज्यों के बजाय झारखंड के अंदर बाबा बैजनाथ की कृपा से, भगवान की विशेष कृपा है, जमीन में कौन सा खनिज नहीं छिपा हुआ है? अरे खजाना छिपा है, खजाना। प्राकृतिक संसाधनों से जितना आच्छादित यह प्रदेश है और कोई प्रदेश नहीं है। यहाँ के मेहनत का श्लोक अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी जीवटता से, अपनी ईमानदारी से दुनिया भर में जाने जाते हैं। इतनी संभावना वाला प्रदेश अगर आज अपने नंबर वन के स्थान को खो करके सबसे नीचे आया है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण हेमंत सोरेन है, यह दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। इसलिए आज आपने कितना अच्छा नारा दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों को, जिनने कहा है कि ना कहेंगे ना सहेंगे, बदल के नारा लगाओ एक बार, ना कहेंगे ना सहेंगे, ना कहेंगे ना सहेंगे। ये बात में अपने आप में सारी बात आ जाती है। ये बदलने वाली बात सरल नहीं है, बदलना